अपनी मम्मियों के साथ ऐसे खाने पीने के चैलेंज ना करें। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। सो बहुत दिन बाद व्लॉग आया है। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था इधर उधर के कामों में, और आज भी मैंने बहुत अच्छा कुछ करने का सोचा था। आज मेरे पास थी दो चीजें करने को। एक मैंने सोचा था गोलगप्पा चैलेंज करूंगा मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी को गोलगप्पा पसंद है और मुझे भी है थोड़ा थोड़ा। तो वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है मैं जीत पाऊंगा, पर फिर भी मैं करूंगा क्योंकि मम्मी को लेकर काफी सारे कमेंट आए पिछली वीडियो में, तो फिर से मम्मी को तो अब लाना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर हिमांशु बोलने लग गया था कि उसको सांची जाना है, तो फिर उसके लिए भी मैंने एक चीज सोची थी कि रस्ते में, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि जितने भी रस्ते में बैगर्स मिलेंगे उन सबको मैं पैसे देते हुए जाऊंगा, और फिर आखिरी में काउंट करूंगा कि अगर एक इंसान जब घर से निकलता है और अगर वो सबको पैसा देते हुए जाए जितने भी मांग रहे हैं तो कितना खर्चा होता है। तो और सबकी हेल्प भी होती है, मतलब वो बात अलग है। काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं जो मांगते हैं पर वो खाना नहीं खाते हैं, वो नशा कर लेते हैं, तो वो चीज़ गलत रहती है। इस चक्कर में तो एक बार मैंने और टेक ऑप्टिमाइजर ने एक बंदे को पैसे दिए थे, फिर उसका पीछा करते हुए गए थे कि ये क्या करता है, पर हम पीछा कर करके थक गए, वो इतना आगे तक गया। तो अब देखते हैं हिमांशु आ रहा है गोलगप्पा लेके, तो गोलगप्पा चैलेंज आज हो जाएगा। बाकी वो बैगर वाला जो है वो मैं अगले ब्लॉग में करता हूँ। और बाकी जब तक बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, उसको आने में काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही चला जाता हूँ गोलगप्पा लेने। उसका वेट करते करते तो पागल हो जाऊँगा, पता ही है लेट है कितना। तो चलो चलते हैं। देखो ये गेमिंग के लिए मैंने एक लाइट मंगवाई है, और इसके अंदर अपना इको फॉर्म है, जिससे कि कहाँ से फाड़ा है मैंने ये देखो, जिससे कि जो वॉइस इको होती है वो होना बंद हो जाएगी। और ये बाकी हमारा सेटअप तो है ही, और गोल्डन कब आएगी यार, क्या पता कब आएगी। आजकल तो वीडियो भी नहीं चल रही मेन चैनल पे। तो हाँ ये मैं बता देता हूँ, तो बाहर तुम जैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, देखो है ना, भयंकर धूप पड़ रही है ये। तो धूप से बचने के लिए हमें, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और धूप में अगर मैं निकलूंगा तो मुझे टैनिंग हो जाएगी, और टैनिंग से बचने के लिए मैं यूज़ करता हूँ वाव की मैट फिनिश सनस्क्रीन। ये दोनों वाव के प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं अभी अभी, और जैसे ही लॉन्च हुए मैंने तुरंत मंगा लिए, क्योंकि आपको पता है मुझे तो वाव पे बहुत भरोसा है। मैं नॉर्मली वाव के ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें ना तो पैराबेन है, ना सिलिकॉन है, ना कोई हार्मफुल केमिकल्स है, और ऊपर से मेड इन इंडिया। एंड आपको तो पता है कोरोना चल रहा है, मास्क पहनना पड़ता है, आधे फेस पे टैनिंग होगी, ऊपर से मेरा ब्लैक हो जाएगा, नीचे से व्हाइट रहेगा, अजीब सा जोकर लगूंगा, तो इसलिए हमें सनस्क्रीन तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी इतनी धूप है, गर्मी आ गई है, तो सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है रसबेरी एक्सट्रैक्ट, विच इज लोडेड विद विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपकी स्किन को फोटो डैमेज से बचाता है। इसके अलावा इसमें कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, एवोकाडो ऑयल है, और साथ में विटामिन ई, जो कि आपकी स्किन को बचाता है यूवी रेज से। सो मैं आपको इसको एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली आपको ऐसे हाथ पे ले लेना है, और फिर जैसे मैंने तो हाफ टी शर्ट पहनी है, तो मैं इसको पूरे अपने हाथों पे लगा लूंगा जेंटली, इसको अपन ऐसे धीरे धीरे पूरे फेस पे लगा लेंगे, क्योंकि हम मास्क पहन लेते हैं आधा फेस रह जाता है और आधे में टैनिंग हो जाएगी, तो अजीब जोकर लगेंगे। सबसे बेस्ट एक और चीज़ मुझे ये लगती है कि ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी आपको चिपचिपापन नहीं लगेगा, ये देखिए, तो काफ़ी बढ़िया है। मैं तो इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। और इसमें भी इन्होंने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, वन इज SPF 55 एंड वन इज SPF 35। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि SPF 55 इज फॉर मी, जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ धूप लगेगी मुझे तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, बाकी ये है SPF 35 जो कि जैसे घर में रहते हैं उनके लिए रहता है, क्योंकि धूप तो घर में भी आती है, और मैं गेमिंग वगैरह की वीडियोज बनाता हूँ तो उसमें मैं ये यूज कर लेता हूँ। और मैंने तो ये दोनों मंगा लिए हैं, पर अब ऑफर चल रहा है वुमेन्स डे का, 6 मार्च से 8 मार्च तक आप अगर एक प्रोडक्ट लेते हैं तो एक आपको उस पर फ्री मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री। तो आप अगर ये दोनों प्रोडक्ट लेना चाहें तो वाव की वेबसाइट पे जाके आप अवेल कर सकते हैं, और ये ऑफर सारे प्रोडक्ट पे, वाव की वेबसाइट से आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे 6 मार्च से 8 मार्च तक, तो वुमेन्स डे के ऑफर में आपको बाय वन गेट वन फ्री मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रजत, तो आपको 30% ऑफ भी मिल जाएगा वाव की वेबसाइट पे, बाकी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फाइनली हमने अब सेटअप जमा लिया है बहुत देर की मेहनत के बाद, और मम्मी से रहा नहीं जा रहा, तुम पहले ही फुल्की तोड़ लो, अभी बता रहे थे तो हमने 20-20 फुल्कियां अपनी अपनी प्लेटों में रख ली है। 21 रखी है तुमने, तो 20 बोला था, शगुन। अच्छा, तो मम्मी ने शगुन की एक फुल्की एक्स्ट्रा रख ली है, और फिर हमारी ये पन्नी है, पहले हमें 20 खाना है, जो पहले 20 खा लेगा उसके बाद वो पन्नी करेगा, और अब हमें ये पता नहीं कि गिनेगा कौन, क्योंकि हमारे पास कोई गिनने के लिए है नहीं, तो आप लोग गिन लेना और बाकी वीडियो बना के एक बार हम भी गिन लेंगे, तो कमेंट में बता देना कौन जीता। बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं है मम्मी से जीतने की, पर फिर भी ठीक है, जीता लूंगी तेरे। अरे ऐसे चीटिंग नहीं करना मम्मी, ईमानदारी से खाना है ना, तो चालू करते हैं, ठीक है, मैं 3-2-1 बोलूंगा और खाने लगना है ना, 3-2-1। यार मेरी पानी इसका कितनी
कैसे फुल गई है, टूट रही है। देखना भैया ऐसे भूल के लाया हिमाचल से लाया क्या? हाँ फटाफट टूट रही है, बिगड़ रही है। रवे की है अच्छी है या बेकार? ऐसी है कि मतलब पानी गिर रहा है बाहर। तो बेकार बस। देखो हिमाचल कितना अच्छा आदमी है, बेचारा भूल के लेके आया। वो बात अलग है कि सड़े आलू लेके आया। हाँ सड़े आलू लेके आया, इसलिए हम पानी खा रहे हैं। कोई ये मत सोचना कि पानी क्यों नहीं खा रहे हैं। पक्की बात है कि मेरा मुंह आ चुका है, मेरे को बहुत ही गला। तुम्हें नहीं लग रहा? चला फिर मुंह आ गया, मुंह कहीं गया फिर? क्या फिर मुंह आ गया? हमारा मुंह है वो हमारे पास आ जाता है बार बार। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये रवे की फुल्कियां हैं। अंगूठा डालो, आर पार हो जाती है वो। नहीं अच्छी है फुल्की। अच्छी है, तुम तो तेज तेज खा रही हो, मैं आ जाऊंगा। आलू होने चाहिए यार फुल्की में। देखना मम्मी पेट दुखेगा ज्यादा फुल्की खाओगी तो। आलू अपने पास कम है पर पानी भरपूर है। चीटिंग कर रहे हो आप लोग, पानी डाल डाल के खाओ भाई। कम कम खा रहे हैं तुम? खा रहे हो इतना खा रहे हो? ये रवे की भूल गया है मेरे को। मेरा खाना पूरा छील देगी बेटा। सही बोल रही है ना? ये ले दिखा। मैं नहीं खा रहा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। मेरा मुंह जल रहा पूरा का पूरा। अभी ने 21 खाई है बस। मुझे मेला खाने मना किया है जिम वाले ने, मेरे एब्स नहीं निकलेंगे ऐसे कभी। साले कुत्तों की जिंदगी। हार मानी। अब इतनी सारी फुल्कियों का क्या करेंगे? अरे बस ना हार मान ली। हार मान ली मैंने। मांस खा ले। नहीं आंटी बस मेरा देख के पेट भर गया। तो हार मान ली। अपनी मम्मियों के साथ ऐसे खाने पीने के चैलेंज ना करें। मानसिक मुंह पानी आ रहा है। तो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। मम्मी ने कितनी फुल्की खाई जिनके कमेंट में बताना, जो सही बताएगा उन सबको मैं हार्ट दूंगा। बाकी मैं भी काउंट करके रखूंगा, तो ये भी देखूंगा कि कमेंट में कौन सही बता रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत हो गई है, सेटअप वेटअप जमा और यहाँ पास में वो क्या हो रहा है, भागवत जी हो रही है। तो जब से उनका भी बज रहा था बराबर, भजन बज रहे थे मतलब भजन भगवान। हाँ चलो ठीक है, चलो खत्म। लाइक करना।